ओके, तो हम लोग कहाँ पे थे? हम लोग पढ़ रहे थे क्या यहाँ पे मिडिल लेवल के बारे में। तो क्या बताया था मैंने? मिडिल लेवल प्रेजेंट बिटवीन टू सेल वॉल, ठीक है। और ये क्या होता है? प्लांट सीमेंट्स होते हैं। और मैं आपको बोल रही थी कि आपने फ्रूट्स खाया होगा, तो हमारे पास फ्रूट्स टू होते हैं ना, टू टाइप के होते हैं। एक होते हैं अनराइपन फ्रूट्स और एक होते हैं हमारे पास राइपन फ्रूट्स। एक हो जाएगा यहाँ पे अनराइपन फ्रूट्स और दूसरा कौन सा होता है? राइपन फ्रूट। सो बेसिकली आपने क्या नोटिस किया होगा कि जो अनराइपन फ्रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? हार्ड। और वहीं पे जो राइपन फ्रूट होते हैं वो कैसे होते हैं? सॉफ्ट। तो ना क्वेश्चन ये है कि इस राइपनिंग के अंदर ऐसा क्या होगा कि फ्रूट हार्ड से कैसे हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। सो कॉमन सेंस की बात है। तो जब तक ये सीमेंट प्रेजेंट रहेगा तो सेल्स टाइटली अटैच रहेगी, एंड जब टाइटली अटैच रहेगी तो वो कैसा होगा? हार्ड होगा। तो यानी फ्रूट्स के राइपनिंग के दौरान ये जो मिडल लेमेला होता है ये धीरे धीरे डिजोल्व होने लगता है। तो जब डिजोल्व होगा तो जो सेल्स होती है वो सेपरेट होने लगती है, अलग अलग होने लगती है। एंड जब वो सेपरेट होगी तो उस कंडीशन में ये क्या होगा? फ्रूट्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है। तो हम लोग बोलेंगे कि राइपनिंग के टाइम इसमें जो मिडल लैमिला होती है या जो पैक्टिन होता है वो क्या होने लगेगा? मिडल लैमिला या पैक्टिन, पैक्टिन डिजोल्व होने लगेगा। और इसके डिजोल्व होने की वजह से जो फ्रूट्स होते हैं वो क्या होंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे। और ये मैं आपको क्लास 12th में इसके ऊपर बायोटेक पे एक इंपॉर्टेंट चीज और पढ़ाऊंगी। चलो अब इधर आ जाते हैं। तो सेल वॉल के अंदर एक होता है प्राइमरी वॉल और एक होगा क्या? सेकेंडरी वॉल। हम लोग मिडल लैमेला को भी सेल वॉल का ही पार्ट कंसीडर कर दें, है ना। चलो प्राइमरी वॉल मैंने कैसा बनाया? थिन या थिक? तो आपने देखा होगा कि ये थिन होता है। और सेकेंडरी वॉल कैसा होता है? तो आपने देखा होगा ये थिक होता है। अब प्राइमरी वॉल के अंदर जब हमने सेल्यूलोज के फाइबर डिपोजिट किए थे तो वो शायद कुछ ऐसे थे। कैसे? ऐसे। तो वेवी होते हैं, शॉर्ट होते हैं और लूजली पैक्ड होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि सेल्यूलोज फाइबर यहाँ पे लूजली पैक्ड होंगे एंड कैसे होंगे? शॉर्ट होंगे और प्लस वेवी होते हैं, ठीक है। बट वहीं पे इसके अंदर हमने कैसे बनाए थे? ऐसे लॉन्ग फाइबर, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्यूलोज फाइबर होगा, सेल्यूलोज फाइबर वो कैसे होंगे? टाइटली पैक्ड होंगे, ठीक है, टाइटली पैक्ड होंगे। और क्या होगा? लॉन्ग होंगे एंड प्लस कैसे होंगे? स्ट्रेट होते हैं। जैसे यहाँ पे हमने ऐसे कर्ल बनाए थे ना, वेवी, यहाँ पे वेवी नहीं होते, यहाँ पे कैसे होते? ऐसे स्ट्रेट होंगे। तो ये स्ट्रेट होते हैं। अभी इतना डिफरेंस समझ आ गया। अच्छा, क्या आपने प्राइमरी वॉल में लेयर्स, सब लेयर्स पढ़ी है क्या? नहीं। तो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सब लेयर्स अब्सेंट होगी और यहाँ पे सब लेयर्स प्रेजेंट होती है। और इनको हमने नाम दिया था S1, S2 एंड S3। सेकेंडरी वॉल फर्स्ट, सेकेंडरी वॉल सेकेंड एंड सेकेंडरी वॉल थर्ड। अच्छा, एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे और ऐड कर देते हैं कि ये जो सेल्यूलोज के फाइबर होते हैं इनका ओरिएंटेशन जो होता है वो कैसा होगा? ओपोजिट होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि एक के अंदर हमने ऐसा बनाया था तो सेकेंड के अंदर हमने ऐसा बनाया था तो थर्ड के अंदर हमने कुछ ऐसा बनाया था। तो ओरिएंटेशन कैसा होगा? ओपोजिट होगा। फिर हमने देखा था कि यहाँ पे सेल्यूलोज जो होता है वो कितना होगा? 20%। सेल्यूलोज का कंटेंट कितना होगा? 20%। और यहाँ पे सेल्यूलोज ज्यादा होता है, मींस 40%। अब तुम एक चीज बताओ, हमने बोला था कि सेल वॉल जो होता है वो मेजरली दो चीजों का बना होता है। एक तो होता है माइक्रोफाइब्रिल जो बने होते हैं सेल्यूलोज के, एंड दूसरा इसके अंदर होता है मैट्रिक्स। तो अगर मैं बोलूं कि ये चीज कम है तो ये चीज ज्यादा हो जाएगी,
और अगर ये चीज ज्यादा है तो ये वाली चीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि अगर यहाँ पे सेल्यूलोज कम है तो मैट्रिक्स 80% हो जाएगा, और यहाँ पे सेल्यूलोज ज्यादा है तो मैट्रिक्स यहाँ पे कम हो जाएगा, तो यहाँ पे मैट्रिक्स। और यहाँ पे मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है, मैट्रिक्स का मीनिंग पैक्टिन, प्रोटीन, हेमिसेल्यूलोज, ये सारी चीजें इसमें ज्यादा होगी तो इसका हाई अमाउंट मिलेगा। बट यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगा मीन्स हेमिसेल्यूलोज, पैक्टिन, प्रोटीन, ये आपको मिलेंगे सारे लो अमाउंट के अंदर। इतना क्लियर हो गया। अच्छा चलो वाटर कंटेंट की बात कर लेते हैं। तो ध्यान रखना कि यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या होता है, ज्यादा, और यहाँ पे वाटर कंटेंट क्या होगा, कम। तो इसका मतलब वाटर जब ज्यादा होगा तो ये कैसी होगी, हाइड्रेटेड होगी। एंड हाइड्रेटेड होने से क्या फायदा होगा कि ये वाली वॉल जो होती है वो फ्लैक्सिबल होती है। तो जो प्राइमरी वॉल होती है वो फ्लैक्सिबल होती है, बट ये कंपेरेटिवली इसमें फ्लैक्सिबिलिटी जो है, फ्लैक्सिबिलिटी क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी, ये कम फ्लैक्सिबल होती है और ये बना ज्यादा फ्लैक्सिबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैम प्राइमरी वॉल मिलती कहाँ पे है? तो देखो जब सेल डिवाइड होती है और डिवाइड होने के बाद जब दो न्यू सेल्स फॉर्म होगी तो जस्ट जो बेचारी यंग सेल जो फॉर्म हुई है ना उसके अंदर आपको मिलेगा प्राइमरी वॉल। फिर उसके बाद जब वो सेल मेच्योर हो जाएगी तो मेच्योर होने के बाद उसमें बनेगा क्या, सेकेंडरी वॉल। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मैच्योर सेल्स होती है उनके अंदर मिलेगा सेकेंडरी वॉल, एंड जो यंग सेल्स है जो जस्ट फॉर्म हुई है उसके अंदर मिलेगा आपको प्राइमरी वॉल। ध्यान रखना एट ए टाइम आइदर प्राइमरी वॉल होगा या फिर सेकेंडरी वॉल होगा। तो जब सेल मेच्योर हो जाती है तो जब उसके अंदर सेकेंडरी वॉल बनेगा तब प्राइमरी वॉल डिग्रेड हो जाएगी। तो हम बोलेंगे कि यंग सेल के अंदर क्या मिलेगा, प्राइमरी वॉल, और मैच्योर सेल के अंदर क्या मिलेगा, सेकेंडरी वॉल। तो इस पॉइंट को ऐड करते हैं हम लोग। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो प्रेजेंट इन यंग सेल, ठीक है। एंड यंग सेल का मतलब मेरिस्टेमेटिक सेल्स हो गई, एंड दूसरा आपने शायद पेरेन्काइमेटस सेल्स पढ़ा होगा, जब सेल्स बिल्कुल न्यू फॉर्म होती है ना। तो ध्यान रखना यहाँ पे यंग सेल का मतलब है मेरिस्टेमेटिक सेल्स और पेरेन्काइमेटस सेल्स, उसको याद कर लो, ठीक है। और यहाँ पे ये प्रेजेंट होगा कहाँ पे, प्रेजेंट इन मेच्योर सेल्स, एंड मेच्योर सेल्स मतलब परमानेंट सेल्स, ठीक है। चलो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है, होप सो नहीं होगा, ठीक है। अच्छा थोड़ी सी क्लास और है, अब मैं इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगी प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में, और एक मैं आपको पढ़ाऊंगी पिट्स के बारे में। और पिट्स से रिलेटेड मुझे एक क्वेश्चन आपको शेयर करना है, तो प्लीज मुझे रिमाइंड करवा देना कोई स्टूडेंट कि मैम आपको एक क्वेश्चन शेयर करना है हमारे साथ ना। चलो तो ये समझ आ गया, बताओ उसमें कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये सिंपल सी कहानी हमने पढ़ी है सेल वॉल के बारे में। तो जो न्यू स्टूडेंट है बेहोश तो नहीं हो रहे ना, हाँ हो माय गॉड, इतना क्या पढ़ा रहे हैं, मतलब 10th क्लास नहीं है, आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, ठीक है। लोगों की जिंदगियां तुम लोगों के हाथ में होंगी, तो मतलब सिलेबस थोड़ा तो टफ होना ही चाहिए, फिर हलवा थोड़ी ना है बनाया खा लिया, हाँ। और देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े दिन की बात है, बाद में आदत लग जाएगी। जैसे जो पुराने स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो उनको अगर पूछो तो जो बेचारे शुरू में आए थे तो ये भी बहुत परेशान हुए थे, बट बाद में इनकी आदत हो गई थी, ठीक है। चल तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे यहाँ पे, अब मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स के बारे में। बस आज का टॉपिक फिर इतना ही, प्लाज्मो डेस्मेटा, और एक टॉपिक मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी पिट्स के बारे में। एक बार एक एम्स के अंदर क्वेश्चन आया था कि हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लांट्स की जो सेल्स होती है ना उसके ऊपर क्या होता है, एक रिजिड वॉल होती है, श्योर।
एक बहुत ही रिजिड वॉल होती है, ठीक है। अब इसके नियर बाय एक और प्लांट सेल से, और इसके ऊपर भी क्या है, रिजिड वॉल है। क्या प्रेजेंट है? रिजिड वॉल प्रेजेंट है। अब अगर मान लो कि इस सेल के अंदर एक वायरस का अगर इंफेक्शन हो जाता है, यहां से कोई वायरस एंटर हुआ और एंटर होने के बाद ये यहां पे क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, जो जस्ट हमने टॉपिक कंप्लीट किया है ना। तो यहाँ पे क्या किया, वायरस ने खूब सारा मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद वायरस कहाँ पे आ गया, बाहर आ गया। तो अब मुझे एक चीज बताओ, हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लांट्स के ऊपर प्रेजेंट होती है एक रिजिड वॉल। तो अगर ये रिजिड वॉल अगर प्रेजेंट होगी तो क्या, मुझे बताओ, एक प्लांट सेल से वायरस का इंफेक्शन दूसरे प्लांट सेल में जाएगा या नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। टॉपिक को मुझे वायरस, और हमने पढ़े थे प्लांट वायरस, पढ़े थे ना, तो इसका मतलब वायरस का इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन रिजिड वॉल के बीच में कोई तो कनेक्शन है भाई। सिंपल सी बात है ना, ये हमारे क्या होते हैं, दरवाजे, मतलब दीवार होती है ना। क्या आप लोग एक दीवार क्रॉस करके दूसरे रूम में नहीं जाते हो, बीच में दरवाजे खिड़की होते हैं ना। हाँ जी, तो इसी तरह प्लांट्स की जो सेल्स होती है ना, उनके बीच में होते हैं दरवाजे। तो ये दरवाजे जो होते हैं, इनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। डेस्माटा मतलब डोर, ठीक है। तो इसके थ्रू जो है वायरस, वो एक सेल से दूसरी सेल के अंदर क्या होगा, स्प्रेड होगा। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे प्लाज्मोडेस्माटा के बारे में। टेंशन मत लो बेटा, देखो हमारा काफी जो पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस का ना, तो आपको मैं बहुत सारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करवाऊंगी। आप खुद से पैसे मत वेस्ट करो। कुछ बच्चे ऐसे होंगे ना कि लेके वो अदर कोचिंग सेंटर के वो मतलब टेस्ट सीरीज ले रखी होगी। देखो अभी टेस्ट सीरीज लेने का मतलब भी क्या है, उनका सिलेबस कुछ और चल रहा होगा, आप यहाँ पे कुछ और पढ़ रहे हो, स्कूल के अंदर चीजें और चल रही होगी। वो मेरी जिम्मेदारी है बेटा, जब एक बार सिलेबस काफी कुछ कवर हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ पे टेस्ट सीरीज मैं खुद स्टार्ट करवाऊंगी। वो भी एक एक नहीं, दो तीन कोचिंग सेंटर का हम स्टार्ट करेंगे, जो भी नेशनल ब्रांड है, ठीक है। एंड जब उनके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तब आपको रियलाइज होगा कि हाँ हमने कौन से लेवल की पढ़ाई की है, ठीक है। क्योंकि मुझे आपको ये भी बताना पड़ेगा कि आप लोग नेशनल लेवल पे कितना स्टैंड कर रहे हो, है ना। तालाब के मेंढक नहीं बनना है हमको। अच्छा, तो आप लोग पैसा मत वेस्ट करो, ये सारा काम हम करेंगे आपके लिए। आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, आप इस पढ़ाई पे ध्यान रखो। एंड दूसरा और क्या बोलना था मुझे, भूल गई मैं, चलो याद आ जाएगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा हो गया, और इधर हो जाएगा पिट्स, ठीक है। तो प्लाज्मोडेस्माटा हमने क्या बोला था, दीज आर साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन साइटो प्लाज्मिक कनेक्शन बिटवीन सेल्स। मैं चलो डायग्राम बना के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो अब मान लो कि ये क्या होता है, प्राइमरी वॉल है। अच्छा, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, तो ये जो ब्लैक कलर की बाउंड्री जो मैंने बनाई है ना, दिस इज प्राइमरी वॉल। फिर एक और मैंने बना दिया यहाँ पे प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर की बाउंड्री क्या हो गई, प्राइमरी वॉल हो गई। अब मुझे बताओ, जो सेकेंडरी वॉल जो फॉर्म होगी ना, वो यहाँ पे साइटोप्लाज्म की तरह फॉर्म होगी या इसके बाहर, मतलब सेकेंडरी वॉल किधर बनेगी, इस तरफ बनेगी या इस तरफ। वन और टू, टू मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ बनेगी, और वन का मतलब साइटोप्लाज्म के ओपोजिट बाहर की तरफ बनेगी। तो शायद आपने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी वॉल है, जस्ट हमने डायग्राम इधर बनाया था, तो ये भी आपको क्वेश्चन मिलेगा ऐसा। तो ध्यान रखना, सेकेंडरी वॉल किधर बनती है, इधर, मतलब साइटोप्लाज्म की तरफ बनेगी, और सेकेंडरी वॉल जो होती है प्राइमरी वॉल की कंपेरेटिवली ठीक होती है। और हम ये भी बोलेंगे कि जब सेकेंडरी वॉल बनती है तो प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाएगी, प्राइमरी वॉल गायब हो जाएगी, ठीक है।
चलो जी, अब मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ, वो पूरा होता है बट मैं इस तरह से ही बना रही हूँ ना। तो अब इनके बीच में यहाँ पे होगा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन, और इन साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन को बोला जाएगा प्लाज्मोडेस्मेटा। तो ये जो ब्लू कलर मैंने बनाया है ना, दीज आर ट्यूबुल्स। ये क्या होते? ट्यूबुल्स होते, और इन ट्यूबुल्स को हम लोग यहाँ पे नाम देंगे डेस्मो ट्यूबुल्स। जो प्लाज्मोडेस्मेटा में ट्यूबुल्स होते हैं, दीज आर कॉल्ड एज डेस्मो ट्यूबुल्स। तो ये हो जाएंगे यहाँ पे डेस्मो ट्यूबुल्स। तो आप मुझे बता सकते हो कि ये ट्यूबुल्स कौन सी ऑर्गेनेली के पास होते हैं? तो शायद अगर आपने 9th क्लास पढ़ी होगी, या अभी आपने स्कूल में 10L वाला चैप्टर भी पढ़ा होगा, तो आपने सिस्टर्नी ट्यूबुल्स वैसे के। हाँ, मैडम याद आया, याद आया। कौन सी ऑर्गेनेली में पढ़ा था? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोस, नहीं लाइसोसोम में नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी में पढ़ा था। सो बेसिकली ये जो ट्यूबल्स है ना, वो इस तरफ वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के होते हैं और इस तरफ वाली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब फिर कोई स्टूडेंट पूछेगा कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है, रफ या स्मूथ? क्या मैंने इसके ऊपर राइबोसोम बनाए हैं क्या? नहीं ना। तो ये कौन सा होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ध्यान रखना, यहाँ पे ये जो साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन बनाने का काम कौन कर रहा है? इस सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ कनेक्टेड होता है। तो इस सेल की जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, उसकी ट्यूब्यूल्स बहुत लंबी हो जाएगी और वो इधर आके इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगी। तो इस तरीके से दो सेल्स के बीच में स्टैब्लिश होगा साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन। ठीक है, तो ये लिविंग कनेक्शन होता है या डेड? ऑब्वियसली जब मैं बार बार बोल रही हूँ साइटोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्मिक, तो मतलब क्या होगा? लिविंग कनेक्शन होता है। और यहाँ पे लिविंग कनेक्शन के लिए ये कैसा होगा? लिविंग कनेक्शन होगा। और लिविंग कनेक्शन के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, सिम्प्लास्ट। ये भी आप लोग याद कर लो, क्योंकि आगे अगेन एक चैप्टर में फिर वापस ये वर्ड आएगा। तो जब साइटोप्लाज्म इन्वॉल्व होता है ना, तो ये जो लिविंग कनेक्शन होता है, इसको बोला जाएगा क्या? सिम्प्लास्ट। तो सिम्प्लास्टिक कनेक्शन हम लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा मुझे कुछ बताने की जरूरत है नहीं। और प्लाज्मोडेस्माटा से सेल्स क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। क्या करेगा? एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो सेल वॉल होती है ना, वो कैसी होती है? सेलेक्टिवली परमिएबल, सेमी परमिएबल, फुल्ली परमिएबल या इनपरमिएबल? मैं चार ऑप्शन दे रही हूँ, इनपरमिएबल, सेमी परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल और फुल्ली परमिएबल। इनपरमिएबल का मतलब होता है जो किसी को आने और जाने नहीं दे, ठीक है, दैट इज अ इनपरमिएबल। और फुल्ली परमिएबल का मतलब होता है कोई भी आओ कोई जाओ कोई मतलब नहीं है उसको, ठीक है, तो दैट इज अ फुल्ली परमिएबल। तो ध्यान रखना, ये जो सेल वॉल होती है, चाहे बैक्टीरिया की सेल वॉल हो, चाहे फंगस की सेल वॉल हो, या एल्गी की सेल वॉल हो, या प्लांट्स की सेल वॉल, सेल वॉल हमेशा फुल्ली परमिएबल होती है। ये पॉइंट अच्छे से बड़ी बड़ी वर्ड में लिख लेना, ठीक है। सेल वॉल आर ऑलवेज फुल्ली परमिएबल। एक्चुअली होता क्या है कि जो सेल वॉल होती है ना, उसके अंदर टेक्निकली इस तरह से पोर्स होते हैं। ये आपको नेट लाइक मैश लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक नेटवर्क दिख रहा है, और इस नेटवर्क के बीच में आपको पोर्स दिख रहे हैं, और ये पोर्स काफी बड़े होते हैं। सो दैट्स व्हाई इन बड़े पोर्स से कोई भी मॉलिक्यूल आ जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि सेल वॉल कैसी होती है? फुल्ली परमिएबल। आगे हम लोग फिर अगेन एक नीट एग्जाम का, सॉरी AIPMT का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ट्रांसपोर्टिंग प्लांट के अंदर। तो लिख लो ये लाइन अच्छे से कि सेल वॉल कैसी होती है? कंप्लीटली परमिएबल होती है, वो कोई भी मॉलिक्यूल को आने जाने से नहीं रोकती है, ठीक है। चलो, और ये चीज तो आप लोग जानते ही हो कि अगर मान लो आपके पास एक प्लांट सेल्स है और एक आपके पास एनिमल सेल है, दोनों को अगर मैं प्लेस कर दूं वॉटर के अंदर, तो क्या होगा? तो वॉटर कैसा होता है? हाइपोटोनिक।
सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, कंपेरेटिवली वाटर हाइपरटोनिक होता है। तो सेल के अंदर जो होगा वो वाटर एंटर होना शुरू होगा, क्या बोलते हैं इसको, एंडोस्मोसिस। इतना तो आई थिंक जानते होगे। तो जब वाटर एंटर होगा तो सेल क्या होगी, स्वेल 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 होगी और बर्स्ट हो जाएगी। कौन, एनिमल सेल। प्लांट सेल्स बर्स्ट नहीं होती है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर होती है सेल वॉल। ठीक है, तो यानी इसका मतलब एनिमल सेल और प्लांट सेल्स को जब हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस करते हैं तो एनिमल सेल बर्स्ट हो जाती है बिकॉज उसके बाहर सेल वॉल नहीं होती है, और प्लांट सेल्स को कुछ नहीं होता है क्योंकि वो उसके ऊपर सेल वॉल होता है, तो वो बाहर की तरफ और ज्यादा स्प्रेड नहीं होगी, ठीक है, बर्स्ट नहीं होगी। चलो ये पॉइंट भी आप लोग लिख लेना। तो इस तरीके से कंप्लीट हो गया हमारा प्लाज्मोडेस्मेटा। अब लास्ट हम पढ़ते हैं यहाँ पे पिट्स के बारे में। अभी पिट्स क्या होते हैं, तो पहले मैं आपको समझा देती हूँ कि होते क्या है। तो अगेन हम लोग बनाते हैं इस तरीके से, एक ये सेल है, एक इधर वाला सेल है, और इन सेल्स के बीच में यहाँ पे होता है मिडल लेमिला, ठीक है, जो मैं कैसे कलर से बना रही हूँ, ग्रीन कलर से। मिडल लेमिला किसका बना होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेड, ठीक है, और इसमें ज्यादा क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे कैल्शियम पैक्टेड ज्यादा रिच अमाउंट में होता है। अब हमने पढ़ा था कि जो सेकेंडरी वॉल होती है वो कंपेरेटिवली कैसी होती है, थिक होती है, तो ये मैंने बना दिया थिक सेल वॉल, और इसका डायग्राम भी मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूं, ठीक है। तो अब मुझे एक चीज बताओ कि ये जो सेकेंडरी वॉल होती है ये कंटिन्यूस होती है या डिसकंटिन्यूस। तो डायग्राम देख के जरा बताओ कि ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस। बोलो बोलो बोलो। तो डायग्राम अभी तक देख के आपको ऐसा लग रहा है कि सेकेंडरी वॉल कंटिन्यूस फॉर्म होती है, बट ऐसा नहीं होता है। जब सेकेंडरी वॉल बनती है ना तो उसके बीच में रह जाते हैं थोड़े थोड़े गैप, एंड ये छोटे छोटे माइन्यूट से जो गैप होते हैं इनको ही बोला जाता है पिट्स। सो हम लोग बोलेंगे कि जब सेकेंडरी वॉल बनती है तो उस टाइम बीच में थोड़ा बहुत रह जाता है गैप, और यहाँ पे गैप कहने का मतलब कि जहां पे सेकेंडरी वॉल क्या होगी, अपसेंट होगी, और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पिट्स। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने बना दिया है क्या, सेकेंडरी वॉल, जो शायद बहुत ज्यादा अच्छा बन गया है। अब मैं क्या बोल रही हूँ कि ये जो सेकेंडरी वॉल जब बनती है ना तो इसके बीच में क्या रह जाते हैं, गैप रह जाते हैं, ये, और इन गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स। तो हम लोग बोलेंगे कि सेकेंडरी वॉल जो होती है कभी कंटिन्यूअस नहीं होती है, उसके बीच में क्या होते हैं, गैप्स होते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पिट्स होते हैं वहां पे क्या होगा, सेकेंडरी वॉल अपसेंट होती है, ठीक है। तो पिट्स हमेशा ध्यान रखना कहाँ बनेगा, जब मैं बार बार बोल ही रही हूँ सेकेंडरी वॉल, तो हम लोग बोलेंगे कि इन सेकेंडरी वॉल यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, गैप प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पे गैप प्रेजेंट होने का मतलब इन गैप्स के अंदर सेकेंडरी वॉल अपसेंट होती है, और इन्हीं गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स बोलते हैं। अब लास्ट पॉइंट, अब हम पिट्स के यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स के बारे में। तो चलो टाइप देखते हैं। तो एक आपके पास होता है सिंपल पिट। अब सिंपल पिट का मतलब होता है कुछ ऐसा,
ठीक है, यहाँ पे मैं ग्रीन कलर से क्या बना रही हूँ, मिडिल ले मिला। देखो जब भी डायग्राम वाला टॉपिक आएगा ना तो लेक्चर ऑब्वियसली बड़ा होगा क्योंकि डायग्राम बनाने में टाइम लगता है, बट इसका मतलब ये मैं सोचू कि लेक्चर बहुत ज्यादा ही पढ़ा दिया मैडम ने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मिडिल ले मिला। और यहाँ पे क्या होता है, दिस इज सेकेंडरी वॉल। ठीक है, अब ये जो सेकेंडरी वॉल होती है इसके बीच में यहाँ पे क्या रह जाता है, गैप रह जाते हैं, तो इन्हीं गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पिट्स। तो पिट्स के अंदर ध्यान रखना, सेकेंडरी वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। अब आप लोगों ने क्या नोटिस किया है कि ये वाला जो पिट्स है ना, इसका डायमीटर जो है थ्रू आउट क्या रहेगा, सेम। जैसे ये डायमीटर आपको दिख रहा है, ये डायमीटर दिख रहा है, ये डायमीटर दिखाई दे रहा है, तो ये पूरा क्या है, थ्रू आउट सेम है। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा सिंपल पिट। अभी आपको समझ आ जाएगा। दूसरा मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी बॉर्डर्ड पिट। क्या पढ़ाऊंगी, बॉर्डर्ड पिट। इसके ऊपर मैं, मुझे आपको एक क्वेश्चन करवाना है। तो ये क्वेश्चन मुझे प्लीज रिमाइंड करवा देना, अच्छा क्वेश्चन आया था। तो बॉर्डर पिट कुछ ऐसे होते हैं, कैसे, ये तो मैंने क्या बना दिया, दिस इज मिडल लेमेला। और यहां से पहले ईआईपीएमटी का एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन आता था एंड ऑब्वियसली एम्स का भी। तो ये ग्रीन कलर में यहाँ पे क्या बना रही हूँ, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, ग्रीन कलर, मिडल लेमेला। अब मैं बनाने वाली हूँ यहाँ पे प्राइमरी वॉल, तो होती नहीं है, जब सेकेंडरी वॉल प्रेजेंट होगी तो प्राइमरी वॉल डिमिनिश हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहां हमने बना दिया ये सेकेंडरी वॉल। तो ये स्ट्रक्चर कुछ आपको कैसा लग रहा है, ऐसे नहीं लग रहा है कि फ्लास्क बन गया? तो यहां पे इसका डायमीटर क्या रहेगा, चेंज होता रहेगा। कैसे मैडम, देखो अब इसके जो बीच में ये वाला जो गैप है ना, इस गैप को बोला जाता है पिट। तो आप देखो यहाँ डायमीटर क्या है, कम है, यहाँ डायमीटर बड़ा, यहाँ पे डायमीटर और बड़ा, यहाँ पे सबसे ज्यादा होगा, फिर कम होगा, फिर कम होगा, फिर और कम हो जाएगा। तो डायमीटर क्या होता जा रहा है इनका, चेंज होता जा रहा है। सो दैट्स व्हाई इसको बोला जाएगा बॉर्डर्ड पिट। और बॉर्डर्ड पिट के अंदर, अब बॉर्डर्ड पिट के अंदर हम बोलेंगे कि जो पिट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, फ्लास्क शेप्ड के होते हैं। कैसे हो जाएंगे यहाँ पे, फ्लास्क, फ्लास्क, फ्लास्क शेप के। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट मैं लिख नहीं रही हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लेना कि यहाँ पे पिट्स का जो कैविटी होता है उसका डायमीटर क्या रहेगा, थ्रू आउट सेम रहेगा, बट यहाँ पे पिट्स कैविटी का डायमीटर सेम नहीं होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे पिट्स के अंदर हम मिडल लेमेला का नाम थोड़ा चेंज करके बोलेंगे पिट मेम्ब्रेन। अब मैं मिडल लेमेला को मैं क्या बोल रही हूँ, पिट मेम्ब्रेन, क्योंकि इस गैप के अंदर बीच में ये एक एज अ मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगा, तो दिस इज पिट मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये क्वेश्चन ईएफएमटी में आया था बेटा कि इस पिट मेम्ब्रेन में, मैं किसकी बात कर रही हूँ, बॉर्डर पिट के बारे में। तो इस बॉर्डर पिट के ऊपर यहां पे डिपॉजिट हो जाता है सुबेरिन। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बन गया, जैसे शर्ट का बटन नहीं होता, तो ये बटन लाइक स्ट्रक्चर बन गया। और इस बटन को यहां पे बोला जाता है टोरस। क्या बोलेंगे इसको, टोरस। तो मुझे ये भी याद दिलाना, मैं इसका भी एक फोटो आपको शेयर करूंगी। अब यहां पे बॉर्डर पिट का खास बात क्या होगा, अगर मान लो कि इस बटन को मैं ऐसे मारू तो ये बटन किधर चला गया, इधर। तो इसने इस वाले पोर को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब इस बटन को मैं इधर मारू तो ये पूरी मेम्ब्रेन इधर आ जाएगी ना, फ्लेक्सिबल है ना, इधर आ जाएगी। तो ये वाला पोर क्या हो जाएगा, क्लोज। यानी इसका मतलब यह हुआ कि टोरस का काम क्या होता है, ये दो सेल्स के बीच में जो ट्रांसपोर्टेशन होगा उसको रेगुलेट करना। एक आपको आज की क्लास में क्वेश्चन मुझे शेयर करना है और दूसरा एक फोटो शेयर करना है, मुझे प्लीज रिमाइंड करवा देना आप लोग। ठीक है, तो ये चीज हो गया यहाँ पे। अब लास्ट हम बोलेंगे कि जो बॉर्डर पिट होता है वो प्रेजेंट होता है जाइलम के अंदर। अब जाइलम के अंदर आपने
नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा, एक तो होता है ट्रैकेट्स और दूसरा होता है वेसल्स। तो जिम्नोस्पर्म के ट्रैकेट्स में और एंजियोस्पर्म के वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं बॉर्डर पिट। क्यों मैडम जिम्नोस्पर्म के वेसल्स में क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि जिम्नोस्पर्म के जाइलम में वेसल्स होता ही नहीं है। वेसल्स प्रेजेंट होना एंजियोस्पर्मिक करेक्टर है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं, इन ट्रैकेट्स ऑफ जिम्नोस्पर्म, होप सो आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड दूसरा हो जाएगा इन वेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म, इन वेसल्स ऑफ एंजियोस्पर्म। बट बॉर्डर पिट ज्यादा प्रेजेंट होना एंजियोस्पर्मिक करेक्टर है, मतलब एंजियोस्पर्म में आपको बॉर्डर पिट बहुत ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, चलो यहां तो कोई प्रॉब्लम। तो ये सिंपल सी मैंने आपको पढ़ाया था प्लास्मोडेस्माटा के बारे में, और यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया पिट्स के बारे में। तो पिट्स क्या होते हैं? जहाँ पे सेकेंडरी वॉल अब्सेंट होती है तो उसको हम गैप को बोलते हैं पिट्स। ठीक है, इन्हीं गैप्स को हम लोग क्या बोलते हैं? पिट्स बोलते हैं। पिट्स दो तरह के होते हैं, सिंपल पिट और एक होता है बॉर्डर पिट। एंड बॉर्डर जो पिट होता है उसका शेप कैसा होगा? फ्लास्ट शेप्ड होगा, है ना। और इसके बीच में अब मिडिल लेमिना को हम टर्म चेंज करके बोलते हैं पिट मेम्ब्रेन। और इस पिट मेम्ब्रेन के ऊपर मैंने आपको बोला था डिपोजिशन होता है सुबेरीन का, ध्यान रखना। ये सुबेरीन कैसा है? फैटी सब्सटेंस है, हाइड्रोफोबिक। तो सुबेरीन का डिपोजिशन होगा और ये डिपोजिशन आपको दिखाई देगा बटन जैसा, और इसी को हम बोलते हैं टोरस। एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन एएफएमटी में आया हुआ है कि टोरस में किसका डिपोजिशन होता है, तो आपको आंसर देना है सुबेरीन का। ठीक है, और इसका जब मैं फोटो शेयर करूंगी आपको तब आपको पता चलेगा कि हाँ यहाँ पे रेगुलेशन करने का क्या मीनिंग होगा। ठीक है, और इसके बाद हम बोलेंगे कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनके अंदर ट्रैकेट्स के अंदर आपको बॉर्डर पिट ज्यादा मिलेंगे और एंजियोस्पर्म के वेसल्स के अंदर, बट जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होना बॉर्डर पिट ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये सेल वॉल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे क्या? सेल मेम्ब्रेन। चलो टाटा बाय बाय, जय हिंद। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और पढ़ते रहो।